परम पूज्य गुरुदेव, श्रीमद् भागवत में कई बार ये आया है कि जिस तरह भगवान में मन लगे वही श्रेष्ठ धर्म है, यथा स्वयं पुंसाम करो धर्मो। इस तरह यदि वैदिक कर्मानुसार न करने पर स्वाध्याय सत्संग द्वारा क्या प्रभु कृपा होकर जीवन का अंतिम फल मिलेगा? इसी तरह से करने पर यदि भगवान का नाम और भगवान की भक्ति परम कल्याणदायिनी है तो यदि अच्छी तरह से की जाए पूछना ही क्या। इसलिए वो ये उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह से कीजिए, उसका मतलब है कि आप अच्छी से अच्छी तरह से कीजिए। ये जो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको उसकी भाषा मालूम रखती है ना। जैसे हत्वापी सहिमान लोकान नहंति निबला निबद्धते, अहंकार रहित और लेप रहित, अहंकार रहित और लेप रहित बुद्धि वाला पुरुष माने अकर्ता भोक्ता आत्मज्ञानी पुरुष यदि सारी सृष्टि का संहार कर दे तो भी उसको उस हत्या का पाप नहीं लगता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हत्या करता रहे, उसका अर्थ यही है कि फिर तो जो हत्या नहीं करता है उसके बारे में कहना ही क्या, किम पुनः आत्मा। इसलिए जहां जहां ये बात आती है कि कैसे भी भक्ति करें तो परम कल्याण है, वहां उसका अभिप्राय ये है कि भक्ति जब अच्छी तरह की जाती है तब तो उसके फल का कहना ही क्या है। तो इसलिए जो शास्त्र की पुरानी भाषा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखने से कि कई लोगों के मन में ये ख्याल बैठ जाता है ये जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक देवता हैं, वैदिक उपासना ये सबसे श्रेष्ठ हैं, हमको यही करना चाहिए। तो अपनी योग्यता को न देखकर, अपनी श्रेष्ठता कनिष्ठता पर विचार न करके वो वस्तु के गुण दोष पर विचार करते हैं, और साधना जो होती है वो चेतन के गुण दोष को विचार करके होती है, जड़ वस्तु या जड़ क्रिया के गुण दोष का विचार करके नहीं होती। हमारे लिए क्या उपयोगी होगा? तो जन्मानि कर्माणि जानि लोके गीताने नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे लसंकर, श्रीमद् भागवत में आया। यदि वैदिक नाम, वैदिक रूप, वैदिक उपासना का अधिकारी हुए इसको करे, नहीं तो जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गीताने तानि। दुनिया में भी तो लोग देखो, ब्रजबंज में तो गांव गांव में रसिया होता है और ढोला होता है, उसमें भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। तो भाषा कौन है ये देखने की जरूरत नहीं है, यदि उसमें भगवान का गुणानुवाद है, भगवान का गुणानुवाद है तो बाबा व्याहुला रचाओ भगवान का है, और बरात चढ़ाओ, गौना करो, गौने वारी बना लो, बीना वारी बना लो, है लोक में जैसी लीला करते हैं वैसी ही भगवान की लीला करो तो वो परम कल्याण है। क्योंकि वैदिक में अधिकारी बढ़िया और मंत्र बढ़िया और विधि बढ़िया और उसका फल भेदो, उद्देश्य की पवित्रता से भक्ति संबंधी सब कर्म पवित्र हो जाते हैं। कामात भयात द्वेषात, भयात कामात क्रोधात भयात द्वेषात, काम से क्रोध से भय से द्वेष से
कैसे भी यदि भगवान का स्मरण हो तो उसमें भगवान की जो पवित्रता है वो जीव का कल्याण कर देती है। हमारे भगवान किसी महाने हृदय में तो आए, और जब वो हृदय आए, हृदय में तो उनके पार्षद भी आए, उनके संगी साथी भी आए। और देखो बाबा चलते थे, यात्रा करते थे, कहीं किसी बगीचे में हुआ कि यहाँ ठहरेंगे, ओ महाराज दो जने लग गए झाड़ू लगाने लगे, और दो जने पत्ता फिर के फेंकने लगे, दो जने कुआं से पानी भरने लग गए, और कोई महाराज गांव में खबर दे आए बाबा आए, और नहीं तो कोई जाके चावल दाल मांग लाते थे, कोई कच्ची रसोई मांग रहा था, कोई पक्की रसोई मांग रहा था। कि जहाँ बाबा गए वहाँ सब तैयारी हो गई। वैसे जो अपने हृदय में कैसे भी भगवान को बुला लाता है उसके लिए हृदय में सारी तैयारी हो जाती है, पवित्रता हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, उसके लिए डरने का कोई काम नहीं है।